हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके अपने सोलमेट शबाना। और 100 स्विच वर्ड्स के गुलदस्ते में आज का ये मेरा 10th स्विच वर्ड फ्रेज मैं आपको बताने जा रही हूं। और आज का ये वीडियो उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा उनको जो सुकून देगा, स्ट्रेस फ्री करेगा, जिनको कि पीरियड्स, मेंसुरेशन, इसकी कोई ना कोई तकलीफ रहती है। या तो हैवी ब्लीडिंग होती है, या पीसीओडी रहती है, या ब्लीडिंग होती ही नहीं है, या अननोइंगली ब्लीडिंग होने लगती है। मींस कुछ ना कुछ मेंसेस पीरियड से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। अब जो पीरियड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो ये समझ लीजिए ये तब होते हैं जब हमारा रूट चक्र कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, कोई कमी होती है। अब रूट चक्रा क्यों कर वहां पे कमी हो जाती है या वो डिस्टर्ब हो जाता है? जब भी इंसान की जिंदगी में किसी भी तरह का डर, फियर आ जाता है ना, फियर ये कुछ भी हो सकता है। फियर ये रिलेशनशिप का हो सकता है, प्यार नहीं मिल रहा वो हो सकता है, मनी उसका हो सकता है, या जिंदगी के किसी भी पहलू में। जैसे स्विच वर्ड्स तो देखिए हम हर चीज के लिए बनाते हैं ना, कोर्ट केसेस हैं, ब्यूटी है, लव रिलेशनशिप है, शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, बॉस डांटते हैं, या फिर जो है नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, या इट कैन बी एनी थिंग विच इज गिविंग यू फियर, डर, आगे क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये फियर जब भी इंसान के दिल में है तो उसका रूट चक्रा डिस्टर्ब है। और रूट चक्रा डिस्टर्ब है तो उसके लिए, रूट चक्रा का कलर आपको मालूम है? रूट चक्रा को हील करने के लिए कलर है रेड, ब्लड रेड। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का फियर है, या आपको मेंसेस बहुत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या अनटाइमली हो रहे हैं, ये पीसीओडी है, या फिर मेनोपॉज हो चुका है, फिर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत तरह की चीजें हैं जो भी रूट से आपके कनेक्टेड हैं या फिर फियर से आपके कनेक्टेड हैं, उसका मैं आपको इलाज बताने जा रही हूँ। फियर एंड रूट चक्रा कनेक्टेड विद ईच अदर। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रेड कलर के लोअर अंडरगार्मेंट पहनना शुरू कर दीजिए। रेड कलर का लोअर अंडरगार्मेंट, आई थिंक इट्स क्लियर। दूसरे शब्द लेने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लेना नहीं चाहती। आप लोग काफी अच्छे समझदार हैं, समझ सकते हैं। लोअर अंडरगार्मेंट रेड कलर का, रेड कलर का आप लोअर अंडरगार्मेंट पहनना शुरू कर दीजिए। पहले तो यही इलाज है। रेड कलर का खाना खाना शुरू कर दीजिए, टमाटर, राजमा, प्लम्स, चेरीज, रेड रेड फूड का इंटेक बढ़ा दीजिए। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद इट गिविंग यू अ स्विच वर्ड। अगर आपको वाकई में बर्दाश्त नहीं हो रही जो भी इशू आपका चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड फ्रेज दे रही हूँ, उसको आप फटाफट लिख लीजिए। मैंने कहा था ना एक नई कॉपी बना लेना, उसके अंदर आपको सारे स्विच वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, ताकि आप अपने आप को तो हेल्प कर सको, और जो आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नोन हैं, आपके रिलेशन में है, कोई भी है, उनको भी आप टाइम टू टाइम बता सकते हो, जी ये आप कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स दे रही हूँ, आप उनको बोल दीजिए आप ये कर लीजिए, आपको फायदा होगा। लिख लीजिए प्लीज। क्लियर, क्रिस्टल, काम, यूट्रस, रिलैक्स। लिखिए क्लियर, CLEAR, क्लियर, क्लियर, क्रिस्टल, CRYSTAL, क्रिस्टल, काम, CALM, काम, यूट्रस, UTREUS, UTREUS, यूट्रस, रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स, एंड
हमेशा की तरह नाउ डन। ये इसका आप एक एनर्जी सर्कल भी बना सकते हैं रेड कलर से। रेड कलर से आप बिना हाथ उठाए एक सर्कल बनाइए, ठीक है। उसके अंदर ये जो आपको स्विचवर्ड फ्रेज दिया है क्लियर क्रिस्टल काम यूट्रस रिलैक्स, उसके अंदर ये कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए। और हर वर्ड मतलब कि क्लियर लिखा उसके बाद एक हाइफन, क्रिस्टल लिखा फिर हाइफन, ऐसे करके हर वर्ड के बाद आप एक हाइफन डाल दीजिए और उसके नीचे आप अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखिए और अपना डेट ऑफ बर्थ भी कैपिटल लेटर्स में लिखिए और उसको कहीं ना कहीं दीवार पे ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए, कील से नहीं ऐसे ही सेलोटेप वगैरह से। और आफ्टर एवरी मंथ जब आपकी डेट, जैसे ही आपकी डेट आई है ना, या आप कोई भी एक दिन चूज कर लीजिए। देखिए तीन तरह से किया जा सकता है, या तो आपकी जैसे ही डेट शुरू हो जिस दिन उस दिन आप कर लीजिए, उसके बाद एक एक महीने में उसी डेट पे करना है। फर्स्ट टाइम उसी डेट पे करिए जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हर महीने उसी डेट पे करिए। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है कि आप अपने आप ही एक सेलेक्ट कर लीजिए डेट, वो भी कर सकते हैं जो भी आपको आराम लगे। या फिर जिस दिन अमावस्या है, अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन पुराना वाला स्विचवर्ड फ्रेज का ईसी आप उतारें, उसको जला के हवा में उड़ा दें या पानी में डाल दें, मिट्टी में डाल दें और नया बना के उसको दोबारा से चिपका दें, ठीक है, कहीं पे भी चिपका दीजिए। तो ये करिए आप, एक ये बहुत रामबाण इलाज है, आपको जरूर 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 आराम मिलेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, शेयर कर लीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों की भी हेल्प करिएगा। दूसरों की हेल्प करने से बहुत मन को शांति मिलती है और जब अपना अपने पे कोई कष्ट चल रहा होता है ना वो भी कट जाता है जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो, ठीक है। और अगर आपको कोई टैरो रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है या फिर कोई और आपको कोई इशू है या कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 9818130040 पे। कॉल नहीं करना है, पेड सर्विस है, फीस तो लगेगी, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब पे ही आपको मिलते हैं फ्री, और ये फ्री नहीं होते वैसे भी। आप देखिए आप वीडियो देख रहे हैं ना मेरा, यही एनर्जी एक्सचेंज है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्विचवर्ड है, आई विश आप दूसरों को जरूर बताएं जिनको तकलीफ है। अगर आपको भी तकलीफ है तो आप भी इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।